काकू सही ने आलता लगाया हुआ है। इसलिए मैंने कहा था विराट, सही से एक बार बात कर। कई बार नजरिया बदलने से कहानियां बदल जाती है विराट। सही, जब तुम्हें आलता लगाना ही था तो घर में इतना बड़ा तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? हम सब सच कह रहे हैं विराट, सही ने ये चालबाजी तेरे सामने हमें झूठा साबित करने के लिए की है। नहीं वहनी, सही ने किसी को झूठा साबित करने के लिए आलता नहीं लगाया, बल्कि विराट की सलामती के लिए लगाया। जब मैंने इसको बताया कि आलता न लगाने से सुहाग के साथ कुछ अशुभ हो सकता है तो बेचारी परेशान हो गई और लगा लिया। वहनी देखिए तो घर की सारी औरतें अब पूजा के लिए तैयार हो गई है, अब देर किस बात की, पूजा शुरू करें। आइए। पंडित जी, जी जल्दी करिए ना पूजा, मुझे पढ़ाई करने भी जाना है। हाँ जी हाँ जी। महादेव, आबा तो आपके पास ही हैं और मैं जानती हूँ आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। महादेव, इस घर के लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखना प्लीज। एक रिक्वेस्ट और, इस घर में मेरी वजह से किसी को कभी भी कोई तकलीफ ना पहुंचे, खास तौर पे विराट सर को। मैं जानती हूँ वो थोड़े खड़ूस हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, एकदम नारियल हैं, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। रुद्राभिषेक कौन करेगा? पत्र लिखा। सही, विराट आओ बैठ। विवाहित जोड़ी ने रुद्राभिषेक की पूजा करना उचित होता है, और वैसे भी तुम दोनों की पहली बसंत पंचमी है ना। रुद्राभिषेक करना है। बेटा ये हल्दी कुमकुम तुम लगा लो। आप हाथ आगे कीजिए दोनों एक साथ। अब आप जल और दूध से अभिषेक करेंगे।
अब आप दोनों आरती करेंगे। जाकर आरती करो। महादेव और पार्वती जी की आरती हर सुहागन को करनी चाहिए। अब आप अपनी पत्नी को सिंदूर लगाइए। हे महादेव, इन दोनों को एक साथ रखना, खुश रखना, दुनिया की हर बुरी नजर से मेरे बेटे और बहू को बचाए रखना। क्या सही ने सच में मेरी सलामती के लिए ही आलता लगाया था? जरूर आई को कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर हो सकता है सही ने आई को खुश करने के लिए आलता लगा लिया हो, यही हुआ होगा। क्योंकि सही जिन्हें पसंद करती है उनके लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जब आई ने कहा कि सही ने मेरे लिए आलता लगाया है, ये चुप क्यों रही? ये उनमें से है ही नहीं जो चुपचाप झूठ सुन ले। अपनी बात रखे बिना चैन कहां आता है इसको? लेकिन ये कुछ बोली ही नहीं। कहीं सच में इसने मेरी सलामती के लिए तो आलता नहीं लगाया? सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम शांत। पर उठते ही उसकी बड़बड़ शुरू। विराट सर, अनिकेत कितना अच्छा गाता है। अनिकेत ऐसा है, अनिकेत ऐसा है, अनिकेत कैसा, अनिकेत कैसा है उसे मुझे क्या लेने देना। ये उसकी तारीफ करती है तो मुझे उससे क्यों फर्क पड़ रहा है? गाता होगा। डॉक्टर सही जोशी, आप मेरे इतने पास क्यों? वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, सोना था मुझे। तो सोइए ना।
मैं कौन सा आपको लोरी सुनाऊंगी? लोरी नहीं सुनानी है सही, किताबें हटानी थी। बुक स्टॉल बना रखा है तुमने अपना। हाँ तो नाम से पुकार के उठाते थे, ऐसे कंधा छूने की क्या जरूरत थी? सही, मुझे तुम्हारा कंधा छूने का कोई शौक नहीं है। दो तीन बार तुम्हारा नाम पुकारा था धीरे से, तुम नहीं जागी तो जोर से पुकार लेते। सोते हुए इंसान को जोर से बोलकर नहीं उठाते सही, इसीलिए मैंने लीजिए। आप आराम से सो जाइए, मैंने समेट ली अपनी बुक स्टॉल, ठीक है? मैं चली पढ़ने। इस वक्त सही बहुत रात हो गई है, कल आराम से सुबह उठ के पढ़ लेना, मैं तुम्हें उठा लूंगा जल्दी। अगर कल सुबह पढ़ाई में बिजी हो गई तो घर के नौकरों वाले काम कब करूंगी? सही, अगर तुम घर वालों के लिए अगर खाना बना लोगी, घर की सफाई करोगी तो तुम घर की नौकरानी बन गई। घर की और भी बहुएं ये सब काम करती है ना, और भी लोग काम करते हैं। विराज सर, ना तो ये घर मेरा है और ना परिवार, और जहां तक रही बाकी बहुओं की बात तो कोई उन्हें बात बात पर बेइज्जत नहीं करता। वैसे भी विराज सर, इस घर में मुझे अपनी बहू मानता ही कौन है? सीधी सीधी बात ये है कि अब मैं किसी के घर में रहने आई हूँ तो बदले में घर का कुछ काम तो करूंगी। चलिए मैं चलती हूँ पढ़ने। वैसे तुम्हारे आलता लगाए हुए पैर काफी सुंदर लग रहे हैं, मगर मैंने नोटिस किया कुछ रैश वैश हुआ है। ये आलता से है या? रैश तो होना ही था, एलर्जी है ना मुझे। और तुम जानती थी इस एलर्जी के बारे में, फिर भी तुमने आलता लगाया? क्रीम क्यों? तुम डॉक्टर बनने वाली हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए किस लिए है। पता है, इसीलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो रुद्राभिषेक सही भाभी और विराट दादा की जगह मुझे और मोहित को करना चाहिए था ना? मेरा मतलब है, पहली शादी तो हमारी ही हुई थी ना इस घर में। करिश्मा, शादी भले ही तुम्हारी पहली हो गई हो, लेकिन रिश्ते और उम्र में विराट बड़ा है ना, इसलिए विराट और उसकी पत्नी को रुद्राभिषेक करने के लिए बिठाया गया था। अगर कोई बात नहीं, अगली बार तुम और मोहित बैठ जाना रुद्राभिषेक के लिए, ठीक है? मैं तो खंडोबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार की पूजा में सम्राट हमारे साथ हो, फिर सम्राट और पत्रलेखा मिलकर रुद्राभिषेक करेंगे। वैसे वहिनी, इस बार भी पूजा सम्राट और पत्रलेखा को ही करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करे बेचारी पत्रलेखा, ना बुरा लगता है ना उसके लिए, इतनी अच्छी बहू है लेकिन उसके नसीब में तो पति का प्यार ही नहीं। सम्राट के गायब होने की वजह से ना उसके सारे हक अधिकार राइट सही को मिल रहे हैं, और क्या। चोर 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 चोर, इतनी रात को चोर रसोई में क्या ढूंढ रहा है? मैं नमक ढूंढ रहा था। नमक? तुमने तो खाना खा लिया, फिर नमक क्यों चाहिए बताओ?
ठीक है, बेकिंग सोडा ढूंढ रहा था। क्यों? बचपन में वो स्किन पे वो एलर्जीज आ जाती थी, तो आप पानी में मिलाकर बेकिंग सोडा वो लगाती थी ना? बस वही ढूंढ रहा हूँ। सही के लिए? नहीं। सही के लिए? नहीं आई। सही के लिए? नहीं आई। यस। नहीं आई। हाँ। बड़े सोचते हो सही के बारे में। और जब मैं शाम को तुम्हें कह रही थी कि बेटा विराट थोड़ा सोच समझ ले, तब तो मेरी बात नहीं मानी तुमने। क्या करता है? सभी घरवाले सही की शिकायत कर रहे थे, और एक आप ही थी जो उसके साथ खड़ी थी। विराट, सभी घरवाले है ना सही को ऐसे मोटे चश्मे से देखते हैं ना, जिसमें से सही उनको बदतमीज अक्कड़ी नजर आती है। लेकिन मैं उसे दिल के नजर से देखती हूँ, सच्ची। मैं कहती हूँ ना विराट, अगर उससे कोई सही चीज करवानी हो ना, तो उसके ऊपर रौब जमा के, उस पर हुक्म चला के बिल्कुल नहीं करना। उसे प्यार से समझा के उसकी सही वजह बता के बता, फिर कितनी भी तकलीफ हो जाए सही वो चीज करेगी 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 करेगी, मुझे पता है ना। आज देखो, पूजा के बाद सब लोगों ने खाना खाया, सब चले गए। सही बेचारी अपने कमरे में पढ़ने चली गई, अभी तक भूखी है बेचारी। अरे उसके लिए खाना ही लेने में आई थी। देखो विराट, अब तुम आ ही गए हो ना, सही के लिए खाना लेके जाना। और सुनो, उसे कहना मेरे सामने बैठ के खाना खाओ, प्यार से बोलना, बहुत मेहनत करती है बेचारी। आप चिंता मत कीजिए, जब तक वो मेरे सामने पूरा खाना नहीं खा लेती ना, सोने नहीं दूंगा उसे। एकदम बढ़िया। आई, ये दाल बहुत अच्छी बनी थी। सही के साथ फिर से खाना। मेरा पेट भर चुका है, उसे खिलाऊंगा। बाकी तुम ठीक तो? मैं ठीक हूं, मुझे क्या होगा? तुमने खाना खा लिया? मेरे खाना खाने ना खाने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है विराट? जिससे तुम्हें फर्क पड़ता है उसके लिए तो तुम खाना लेकर जा ही रहे हो। अपनी बीवी के लिए तुम प्लीज जाओ यहां से। यहां क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऐसा क्यों बोल रही हो पाखी? सही बोल रही हूँ मैं विराट, इस घर में मेरा तो कोई हक है ही नहीं, और जो भी था वो सब तो सही ने छीन ही लिया है। छीन लिया? मैं समझा नहीं। तुम इतने भी ना समझ नहीं हो विराट, आलता तो मैंने भी लगाया था, लेकिन वो तो किसी को दिखा ही नहीं। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते रुद्राभिषेक करने का हक भी मेरा था, लेकिन वो भी सही ने छीन लिया। और तुम तो खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहते हो। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं? तुम सही के पति से ज्यादा और कुछ नहीं लगते, ना ही इस घर के बेटे और ना ही मेरे दोस्त। मैं तो बस एक पागल बनकर रह गई हूं, जिसे पता ही नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कर रही हूँ, किसके लिए हूँ। जैसा तुम सोच रही हो ना पाखी, वैसा कुछ नहीं है। इस घर में तुम्हें सब पसंद करते हैं, सबको तुम्हारी परवाह है, प्यार करते हैं सब तुमसे। और तुम करते हो? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।